और तीसरा है कि एक नीचे बगाव के नीचे थोमनी थोमनी के नीचे नरडी है, उधर भी निजी जेल है, पहाड़ी चश्मा है। अभी भी अपना असला और मेरा फैमिली भी कुछ वक्त उधर ही रखा था, मुझे इतना मालूम है। मेरा फैमिली खुद भी बोलेगा कि वही जगह से अभी लेकर आया था मेरा फैमिली को कुछ वक्त। और तीसरा ये 9 जनवरी में मुझे इतना मिल गया, 5 जनवरी में कुछ कैदियाँ मेरा फैमिलियाँ जी मेरा बेटा लाहौर में उधर रखा था, बंद किया था, गाड़ी डिक्की के साथ लेकर गया उधर बंद किया था। मुझे इतना मिल गया, बेटा मुझे फ़ोन किया था कि हम लोग इधर बंद है। मैं गया था किसी ने मुझे मदद के लिए, तो सरदार अब्दुलरहमान का वही सरदार अब्दुलरहमान का बंगला का नंबर है 104 है, और गली का नंबर मेरे साथ अभी याद नहीं है। तो लाहौर में मैं तो तैयारी किया था वो रात, सरदार अब्दुलरहमान अपना घाट और मेरा वो 3 बेटा उधर था, अब्दुल मजीद और अब्दुल कादिर और अब्दुल सत्तार, रातों रात निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया था। दिन में मुझे किसी ने कहा छापा लगा, मैंने कहा वो जगह से शिफ्ट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरी बहन पूछ रही थी कि तदफीन कब होगा, अभी मेरे आल पाकिस्तान मरी इत्याद के दोस्तों और यहाँ जो तनजीमें मुख्तलिफ बलोच पख्तून और जो मुख्तलिफ व्यापारी तनजीमें थी, हम मिल बैठ कर मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद हम मीडिया को बताएँगे कि हम तदफीन का ऐलान कब करते हैं। सबसे पहले तो हम FIR लाज करेंगे और हमने सुना है कि बारखान में एक नामालूम FIR इन्होंने नामालूम FIR पुलिस ने बारखान के SP ने किया। हम उस FIR को रिजेक्ट करते हैं। जो शहीद बच्चे हैं उनका वालिद आ गया है, हम IG सिंध से और कोर कमांडर से मुतालबा करते हैं कि FIR हो तो खान मामन और क्वेटिया में हो, खान मामन के फरियादी के हाथों हो। नामालूम FIR इस मिनिस्टर को बचाने की कोशिश है और हम अभी मीटिंग करेंगे सारे दोस्त मिलकर, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम तदफीन हम उसी टाइम पे ऐलान करेंगे जब खान मामन के 6 बच्चे यहाँ पहुँचेंगे। हमें इतला मिला है कि खान मामन के बच्चे कोलू से या बारखान से निकल चुके हैं लेवीज़ के तहवील में और पुलिस के तहवील में, बच्चे यहाँ पहुँचेंगे, हम जनाजे का ऐलान करेंगे। रो रो के रिकॉर्ड करवाता था, लेकिन हर बंदा ये बोलता था कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है, ये जहांगीर झूठ बोल रहा है। आज आपका मेरा सबका बयानिया सच हुआ है, आप सबको मुबारक हो। और मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, उससे इतनी अपील की है मैंने, उसके जोर पे ये वाई सूबाई हुकूमत ये नशे वाले नहीं कर रहे थे। और वजीर वजीर दाखिला साहब इस जीओ में बैठ के बोलता है कि मैंने तमाम कमिश्नर से लिखवा के लिए, कोई निजी जेल नहीं है, तो ये मखवी कहाँ से बरामद हुए? उसके इस बयान पे वजीर दाखिला पे भी केस बनने चाहिए, जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप लोगों पे हमको ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जिस खातून का कह रहे थे वो तो वो नहीं निकला जो आप कह रहे थे कि जिस खातून, सर जी वो खातून नहीं है, तो ये खातून क्या, ये बहन जो कोई गधा है क्या? ये भी इंसान है, ये भी मेरी बहन है और मैं रोता रहा इंसानियत के लिए। खान मोहम्मद मेरा कोई अजीज नहीं है, जिस तरह खान मोहम्मद की बेटी मेरी बेटी है, इस तरह ये बेटी भी मेरी बेटी है। आपको पता है आप इस मसले को अब उठाओ कि ये बेटी कौन है? सबसे पहली बात कि मैं कहता था बंदे अफगान है, वो बंदे अफगान थे। सबसे पहले मैं कहता था कि बाजियाब हो गए हैं। दूसरी ये कंफर्म हो गई कि निजी जेलें हैं। अब